ਵਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਵਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਗਾਣੋਂ ਸੇ ਸਬਕੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰ ਛਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਕੀ ਫਿਲਮ ਹਰਜੀਤਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ये फिल्म पंजाब के हॉकी खिलाड़ी हरजीत सिंह के जीवन पर आधारित है। फिल्म हरजीता 18 मई को रिलीज हो रही है, जो कि एक बायोपिक है। 2016 में हरजीत सिंह तुल्ली की कैप्टेंसी में भारत की जूनियर हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। एमी ने इस किरदार को निभाने के लिए खूब मेहनत करी है। उनको 6 महीने लगे अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, साथ ही हॉकी खेलना भी सीखा। आइए देखते हैं एमी विर्क की लोकमत न्यूज के साथ खास बातचीत। कहते हैं किसी भी काम को अगर पूरी मेहनत, शिद्दत और लगन से किया जाए तो सफलता आपके कदम चूमती है, और उसका राइट एग्जाम्पल है एमी विर्क। एमी विर्क वैसे तो पंजाब के सुपरस्टार है, मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। वो अपनी नई फिल्म हरजीता के साथ आ रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से एक रियल लाइफ किरदार को रियल लाइफ में उतारा है, बहुत ही उम्दा है। पहले तो स्वागत है आपको लोकमत न्यूज में। सबसे पहले तो आपकी टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लग रही है, हरजीता लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, हरजीता के बारे में आप बताइए कुछ। हाँ जी, हरजीता एक मतलब हरजीत सिंह तुल्ली उसका नाम है, साडा वीर है छोटा, और वो चंडीगढ़ के पास कुछ छोटा सा गांव है निहोल का, वहाँ भी वो पला बड़ा था, और उसके बाद इंडियन जूनियर हॉकी टीम में आया और अकेडमीज में एक दो बार उसने ट्राई किया और उसको दाखला नहीं मिला। वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा, वो रियल है सभी। और उसके बाद जो मतलब इंडियन जूनियर हॉकी टीम को लीड किया, और 2016 में नवंबर में उन्होंने इंडियन टीम को लीड किया और इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जितवाया। मतलब सारी टीम के एफर्ट थे और इंडियन टीम को कैप्टन था इंडियन टीम का हरजीत सिंह तुल्ली, उसके ऊपर ये बायोपिक है। 120 करोड़ लोगों को उसने रिप्रेजेंट किया और वर्ल्ड कप जीता अपने देश के लिए। तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए रोल हरजीत सिंह के किरदार में आने के लिए? आपने काफ़ी वेट भी लूज़ करा है, आपने हॉकी खेलना भी सीखा है, कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग होता है थोड़ा, लुक मैच करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है और मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है आपको। सेम कैरेक्टर है जैसा वो है, बिकॉज लाइक हर बंदे के लाइक वो जो लक्षण होते हैं, जो हर बंदे का वो करेक्टर होता है जहाँ उसका बिहेवियर होता है, वो सेम नहीं होता। सो मेरा कुछ और बिहेवियर था और मेरे को लाइक प्ले करना था हरजीत का करेक्टर। सो मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है खुद अपने आप को। वो बहुत माइल्ड है, वो बहुत ज़्यादा कम बोलता है, वो बहुत ज़्यादा चाय पीता है, मैं नहीं पीता हूँ। सो वो फिल्म में मेरे को पीनी पड़ी चाय। चाय पीनी पड़ती थी। वो करेक्टर ऐसा, वो पीता है हरजीत, अभी भी पीता है काफ़ी, वो जितनी बार पिला दो वो पी लेगा। और इस दौरान आप हॉकी और भी हॉकी प्लेयर से मिले, इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? सारे प्लेयर हैं जो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं काफ़ी। सरदाराबाद जी है, वो लाइक काफ़ी सालों से हॉकी खेल रहे हैं, वो 10-15 सालों से। और रुपिंदर होनी है, हरमन होनी है, मनप्रीत है, पंजाब के जिन्हें भी प्लेयर है, वो जो मेरे वधिया फ्रेंड है, जो रिटायर भी है, मतलब तेजवीर भाजी होनी, यगराज भाजी होनी, जो पहला खेडते होंगे वो भी मेरे बहुत वधिया फ्रेंड है। सो इंस्पायर होना तो भी हुआ जी, इंस्पायर मैं ऐसे सीखा भी जे खुद के लिए अगर कुछ अच्छा करूँगा। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा लाइक कि थोड़ा कठिन काम है, थोड़ा मतलब सौखा काम नहीं, औखा काम है। सो वो करना चाहता हूँ। एक चीज़ मुझे आपसे और जानने चाह रही थी मैं, कि किस तरह से वो बच्चे का किरदार भी है इसमें, वो भी हॉकी खेल रहा है, और रियल लाइफ में भी देखा जाए तो हॉकी प्लेयर्स को काफ़ी स्ट्रगल उनका होता है, उनको वो मुकाम नहीं मिल पाता, वो फेम नहीं मिल पाता। क्या स्ट्रगल है हॉकी प्लेयर का होता जी? बेसिकली इंडिया के उतना ज़्यादा पैसा नहीं है उसमें। हॉकी में आप देख सकते हो लीग्स वगैरह भी बंद हो गई हैं, पहले मिलते थे उनको लाइक 20-30 लाख रुपए एक लीग का मिल जाता था, अभी वो भी नहीं है। उसके बाद अभी जॉब्स बचे हैं उनके पास, अभी उसके बाद जैसे जैसे मतलब अगर वो अच्छा अचीव करेंगे आगे तो उनको मेडल्स भी मिलेंगे, तो उनको डेफिनेटली पैसा भी मिलेगा। मेहनत कर रहे हैं वो, डेफिनेटली दे विल गेट समथिंग। तो आपकी बॉडी से तो काफ़ी लोग जो आपके फैंस इंस्पायर हो रहे हैं, तो एमी विर्क को गाना ज़्यादा पसंद है कि एक्टिंग करना ज़्यादा पसंद है? ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं जी, अगर फिल्म करता हूँ तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं, उसमें गाने भी आ जाते हैं और एक्टिंग भी आ जाती है। दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, दोनों चीज़ों से मेरे को इनकम होती है, पैसे मिलते हैं, सब खुश। फिटनेस टिप्स क्या देंगे? मैं भी कुछ ले लेती हूँ आपसे, क्योंकि आपने कहा कि आप जो रोज़ फोटोज़ पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम में, लोग काफ़ी इंस्पायर होते हैं। आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे आप पतले हो जाओगे। जब आपको खाने के लिए पूछे ऐसे कर दो, आप पतले हो जाओगे। अब आप इतने कम उम्दा सिंगर है, अगर आप अच्छे लग रहे हो, आप स्वीट लग रहे हो, बस अपना अपनी बॉडी के लिए, खुद के लिए, मतलब आपको कोई मतलब ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आप अपने आप को फिट कर लो और बाकी सब अच्छा। आप इतने उम्दा सिंगर है, अगर एक दो लाइन हमें गा के नहीं सुनाएंगे, वो भी जो किस्मत, जिसके लिए मुझे लगता है कि पूरा भारत किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदल दा वेखिया मैं, बदल दे वेखे अपने मैं, रब बदल दा वेखिया, सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा,
चल जर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी। 18 मई को फिल्म रिलीज हो रही है, दर्शकों को क्या मैसेज देंगे कि वो फिल्म देखने जरूर जाए? बेनती है जी सारे जने जाओ, तानू फिल्म डेफिनेटली वधिया लगूगी, सच्ची वधिया लगूगी, झूठ नहीं मारदा। लेकिन हिंदी में नहीं है, पंजाबी में क्यों? जो हिंदी जो व्यूअर्स है उनका क्या होगा? बेसिकली पंजाबी फिल्म है जी, सो दैट्स व्हाई पंजाबी फिल्म है। हिंदी में बोल देता हूँ, आप डेफिनेटली फिल्म देखने जाओ, आपको अच्छी लगेगी। मेरे को हिंदी थोड़ी बहुत तो आती है, मैं आपको विनती कर सकता हूँ, आप बच्चों को लेके जाओ, बुजुर्गों को लेके जाओ, डेफिनेटली यू विल वॉच द फिल्म एंड यू विल लव इट। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, साथ ही ऑल दी बेस्ट हमारी तरफ से कि जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर धमाल करे। तो ये थे मेरे साथ एमी विर्क, और 18 मई को फिल्म देखने जरूर जाए। मेरे सहयोगी संजय के साथ प्रतीक्षा कुकरेती, लोकपत न्यूज़.in।